आइए आज बात करते हैं टीम परफॉर्मेंस और कल्चर की। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। टीम परफॉर्मेंस जो है, टीम का प्रदर्शन, वो कैसे अच्छा होना चाहिए, वो हम कैसे सुधार सकते हैं, हमारा कल्चर कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो बहुत महत्व का है। जिसके ऊपर कंपनी का एक लिसनिंग तैयार होता है, कंपनी जानी जाती है, कंपनी मानी जाती है। तो उसमें सबसे पहले जो है कि कंपनी की जो टीम है उसके रिलेशनशिप कैसे, रिश्ते कैसे। तो यदि उनके रिश्ते अच्छे हैं, लोगों के बहुत अच्छे रिश्ते हैं एक दूसरे के साथ में, और उनका एटीट्यूड जो है वो रिएक्टिव एटीट्यूड है, बहुत प्रतिरोध करने वाला है, कि रेस्पॉन्सिव एटीट्यूड है, रेस्पॉन्ड करने वाला है। तो रेस्पॉन्ड करने वाला है मतलब साथ देने वाला है, आवाज़ देने वाला है, कि प्रतिकार करने वाला है, तो उसमें रिलेशनशिप डेवलप होती है। रिलेशनशिप एकदम बेहतरीन, बहुत डोमिनेशन नहीं है, ऑर्डर्स नहीं है, एक लेवल पे लोग काम करते हैं, एक दूसरे का समझ लेते हैं। भले ही काम के लिए लोगों ने एक अलग अलग पोस्ट बनाई हुई है, मगर कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक साथ में रह के काम करते हैं, ट्रस्ट से काम करते हैं। तो वो बहुत महत्व का है रिलेशनशिप, नंबर एक। नंबर दो रहता है कि जो हमारे कर्मचारी है वो स्किलफुल है क्या, कुशल है कि अकुशल है उनका काम करने में। यदि वो स्किलफुल है, कुशल है, तो आपका परफॉर्मेंस बेहतरीन हो सकता है, मतलब प्रदर्शन बहुत अच्छा हो सकता है, या रिजल्ट आपके अच्छे आ सकते हैं, कंपनी का नाम अच्छा हो सकता है। तो स्किल कैसा है, और वो कुशल अकुशल जो कर्मचारी है, तो वो हमें देखना पड़ेगा स्किल कैसा है टीम परफॉर्मेंस के लिए। नंबर तीन, समर्पण की भावना उनकी है क्या, प्रतिबद्धता है क्या, वचनबद्धता है क्या काम के प्रति, या समर्पण की भावना है क्या, और वो कमिटमेंट है लोगों का एक काम के लिए, एक पर्पस के लिए, एक गोल के लिए, एक विजन के लिए लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स हमको मिल सकता है। तो कोई भी कर्मचारी जो है वो कौन से समर्पण से आता है, कौन से कमिटमेंट से आता है, उसका क्या कमिटमेंट है, वो बहुत बहुत महत्व का है टीम कल्चर के लिए, और वो आवश्यक है। हम देखते हैं तो टीम आगे बढ़ेंगी, कंपनी आगे बढ़ेगी। नंबर चार, उसका परफॉर्मेंस मतलब उसके एक्शंस कैसी है, क्या वो एक्शन में हरदम रहता है कि एक्शन में रहता नहीं है, एक्शन फास्ट है, एक्शन स्लो है, एक्शन टाइम कंज्यूमिंग है, एक्शन लेने में वो टालम टोल करता है, प्रोक्रास्टिनेशन करता है, मूड नहीं है, ठीक नहीं लग रहा है, आज डाउन लग रहा है, और ऐसा बोल के वो परफॉर्म कर रहा है, या कुछ कारण देते रहता है, कुछ रीजन देते रहता है परफॉर्मेंस के लिए, एक्शंस के लिए, आज तबीयत ठीक नहीं है, कल ये हो गया, कल परसों ये हो गया, तो परफॉर्मेंस उसका ठीक है कि नहीं है। क्योंकि परफॉर्मेंस यदि ठीक नहीं है, एक्शंस ठीक नहीं है, तो टीम नहीं काम करेगी। तो हमने पहला देखा रिलेशनशिप, नंबर दो हमने देखा स्किल्स, नंबर तीन हमने देखा कमिटमेंट, नंबर चार हमने देखा परफॉर्मेंस मतलब एक्शंस मतलब प्रदर्शन काम का, नंबर चार। नंबर पांच जो है कि अल्टीमेटली वो रिजल्ट ला रहा है कि नहीं ला रहा है, काम बहुत कर रहा है मगर रिजल्ट्स में साधारण रिजल्ट ला रहा है, ऑर्डिनरी रिजल्ट्स है कि असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला रहा है। कुछ लोग है ना थोड़ा काम करेंगे वो रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त लाएंगे, कुछ लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे रिजल्ट जितने चाहे उतने आएंगे नहीं, बहुत सिंसियर लोग रहते हैं, बहुत सिंसियरली काम करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, रिजल्ट के नाम से बूम्ब रिजल्ट नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं लाएंगे। तो हमको ये देखना है कि रिजल्ट के लिए वो कुछ कारण देता है, रिजल्ट लाता है कि रिजल्ट नहीं लाता है, कि अल्टीमेटली रिजल्ट लाना बहुत जरूरी है। तो रिजल्ट मतलब नॉट बाय एनी मीन्स मतलब कुछ भी करके रिजल्ट नहीं है, कंपनी की पॉलिसी प्रोसीजर्स, कंपनी का एथिक्स, कंपनी के मॉरल्स, कंपनी का प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, उसके अंदर बैठ के रिजल्ट लाना वो बहुत जरूरी है। और वो यदि रिजल्ट लाता है और असाधारण रिजल्ट लाता है, असामान्य एक्स्ट्रा रिजल्ट लाता है, तो वो कर्मचारी हम उसको असेसमेंट कर सकते हैं, ऐसे कर्मचारी कंपनी को बहुत ही ऊंचे लेवल पर लेके जाएंगे। तो हमने ये पांच लेवल हमने देखे जो टीम के कल्चर के है या टीम के परफॉर्मेंस के है, और वो लेवल पे हम लोगों को देखते हैं, उनको ये लेवल पे डेवलप करते हैं, तो टीम बहुत बढ़िया डेवलप हो जाएगी। ऐसी टीम कि वो टीम के पास में रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, आपसी रिलेशनशिप नंबर एक, नंबर दो स्किल्स, नंबर तीन कमिटमेंट, नंबर चार उनका परफॉर्मेंस जबरदस्त है, नंबर पाँच रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त ला रहे हैं। तो ये टीम ऐसी डेवलप करने के लिए सभी बिजनेसमैन को आप उद्युक्त कर सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं। ये वीडियो लोगों को शेयर करेंगे तो लोग इस तरह की कंपनियां तैयार करेंगे और कंपनियां बहुत बड़ी हो सकती है। हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से, उसमें भी काफ़ी वीडियोस रिजल्ट्स के लिए है। और आपको बाकी भी समस्या होंगी
मानसिक रोग के बारे में, एडिक्शन, सेक्स, हिप्नोटिज्म, तो भी नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन मैं करता हूँ, लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेशन दे के हम लोगों का इलाज करते हैं। आपको कुछ भी रहा तो जरूर नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर कॉल करो, ये वीडियो लोगों को शेयर करो, ताकि हमारा जो मकसद है, हमारा जो मिशन है, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत और बहुत बड़ा भारत, उसमें बिजनेसेस बड़े हो जाएंगे, टीम्स बड़ी होंगी और लोग अपना धंधा अच्छा करके सच्ची हमारे देश को बहुत आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।